dear स्टूडेंट्स इन दिस module वी आर गोइंग टू डिफाइन what इज़ फैमिली एंड what इज़ मैरिज definition ऑफ फैमिली एंड मैरिज आर not यूनिवर्सल दे आर सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइम एंड स्पेस जब हम फैमिली की बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये फैमिली को एज अ यूनिट हम अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ एक ही तरह से नहीं देख सकते हैं हमारे लिए जो फैमिली की डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर वो शायद किसी भी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर या किसी और दूसरी सोसाइटी के अंदर उस तरह से प्रेवेंट नहीं हो सकती है इसी तरह से जो पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन डेफिनेशन ऑफ फैमिली हैं वो हमारे यहाँ उस तरह से लागू नहीं हो सकती हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाउ फैमिली इज़ डिफाइंड डिफरेंटलीस डिफरेंट कल्चर्स इसी तरह से जो ऑफ मैरिज है ये भी एक कल्चर्स जो है वो वेरी करता है तो सोशोलोजिस्ट का जो पर्टिकुलर फोकस होता है वो ना सिर्फ के इन दोनों प्रोसेस को समझना होता है कि कैसे फैमिली का यूनिट कंस्ट्रक्ट होता है और मैरिज को किस तरह से देखा जाता है बल्कि इनकी जो डेफिनेशनल डिफरेंसेस हैं उनको भी फोकस करना एक मकसद होता है ताकि ये देखा जाए कि जैसे जैसे फैमिली के फैमिली uh, uh, के स्ट्रक्चर्स के अंदर उसकी डेफिनेशंस के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं वैसे वैसे ओवरऑल जो सोशल स्ट्रक्चर होता है और ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके अंदर भी वो तब्दीलियाँ जो हैं इन जनरल रिफ्लेक्ट होती हैं सो फॉर्मली स्पीकिंग अ फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड मैरिज और अडोपशन तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी के ज़रिए ही फैमिली का रिश्ता या बर्थ के ज़रिए ही फैमिली जो है वो कंस्ट्रक्ट हो बल्कि इसके अंदर ब्लड और बर्थ और मैरिज और एडॉप्शन ये तीनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं तो जो अडोप्टिड चिल्ड्रन होते हैं वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं सो फैमिलीज़ कैन टेक मनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फैमिलीज़ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ एंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ तो जब हम फैमिली यूनिट्स को देखते हैं और उसके डिफरेंट पैटर्न को देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ फैमिली के यूनिट की डेफिनेशन के अंदर जो है डिफरेंसेस मौजूद हैं बल्कि इसकी कन्फिग्रेशन इसके स्ट्रक्चर और इसके मेकअप के अंदर भी ये डिफरेंसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर चूके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो हैं दे आर ऑफन प्रावलेंट एंड दे आर हैविंग द मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस होल्ड एंड मैरिज इज़ ऑफ्टन सीन एज अ वे टू फॉर्म न्यू फैमिली यूनिट एंड द एक्सपेक्टेशन इज दैट द कपल विल इवेंचुअली हैव चिल्ड्रन एंड कंटिन्यू देर फैमिली लाइन तो चूँकि मैरिज और फैमिली जो हैं ये दोनों आपस में लाजमलूम हैं एक दूसरे का हिस्सा होते हैं फैमिली यूनट जो है वो अपने बच्चों की शादियों के ज़रिए अपनी लीनीज को कंटिन्यू रखता है और इसके साथ साथ जो मैकनिज़म ऑफ सोशलाइजेशन है उसके ज़रिए अपने कल्चरल इनहरीटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट भी करता है तो दोनों के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि कैसे दोनों एस्पेक्ट uh, जो हैं कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं और इनकी डेफिनेशन के अंदर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या क्या हैं जिनकी बदौलत हम किन लोगों को फैमिली मेम्बर्स कंसिडर कर सकते हैं किन लोगों से शादी हो सकती है किन लोगों से शादी नहीं हो सकती है किस एज में शादी हो सकती है सो तो ये सारे एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया जो हैं वो आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफ़ाइन होते हैं आपके लिए फूड फॉर थॉट ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ जो फैमिली का यूनिट है उसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है हम किन लोगों को फैमिली का हिस्सा समझते हैं किन को नहीं हिस्सा समझते फैमिली कंस्ट्रक्ट किस किस अंदाज़ से की जा सकती है इसमें रूरल अर्बन वेरिएशंस क्या आ सकती हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे मैरिज के इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं वो क्या हैं मसलन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ शादी हो सकती है और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें शादियाँ करना लोग जो है प्रेफ़र करते हैं तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू